नमस्कार। देश की बात में पहले खबर चुनावी राज्य पंजाब से, जहां कांग्रेस से मची उठापटक में अब हालात को संभालने की कोशिशें हो रही हैं। खबर यह आ रही है कि इस समय मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो मुलाकात थी वो समाप्त हो गई है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी से मिलने पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू। करीब 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। कल तक पटियाला में सिद्धू के करीबी उनसे मिले थे। राज्य के प्रभारी हरीश रावत और मुख्यमंत्री सिद्धू से नहीं मिले थे पटियाला में। तो आज चंडीगढ़ में मुलाकात हुई है, पंजाब भवन में मुलाकात हुई है। सिद्धू मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री को और बताया जा रहा है ये बैठक अब समाप्त हो गई है। और आपको बता दें, इसमें हमारी कोशिश करेंगे हम अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास जाने की और उनसे समझने की कि क्या डिटेल्स आई हैं। तो शरद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या जानकारी आपको मिल रही है इस बैठक में, क्या क्या हुआ, कुछ निकल कर बाहर आया? निधि, लगभग 2.25 घंटे बैठक चली है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की। अटकलें ये लग रही थी, संभावना भी ये थी कि शायद बात बन जाए और उसके बाद यहीं पंजाब भवन में, जहां पर मीटिंग चल रही थी, यहीं पर दोनों की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। लेकिन 2.25 घंटे बैठक चलने के बाद में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जब यहां से निकले तो इससे इस बात पर फिलहाल विराम लग गया है कि कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हालांकि अभी भी पंजाब भवन के अंदर जहां मीटिंग हो रही थी, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब भवन के अंदर ही है। तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है या फिर एक बार और दोनों की जो है बैठक होने की संभावना है। अभी इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो संभावना व्यक्त की जा रही थी कि शायद आज इसी बैठक में एक बार फिर से जो कांग्रेस के बीच में उठापटक चल रही है उस पर कुछ विराम लग जाएगा और नवजोत सिद्धू अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं, ऐसा कुछ अभी होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि या तो नवजोत सिद्धू बाहर आके बताएं स्थिति क्या हुई है, क्योंकि पटियाला में जब से वो उन्होंने इस्तीफा दिया था उसके बाद वो पटियाला में अपने घर पर जाकर एक तरह से उन्होंने सबसे खुद को सबसे अलग कर लिया था और कुछ लोगों से ही वो मिल रहे थे। उसके बाद अब जब बातचीत आज होती दिख रही थी, ऐसा लगा कि अब बातचीत हो गई है। और ऐसा माना जाता है कि जब कुछ आप स्तर पर पहुंच जाते हैं, बातचीत के स्तर पर आप पहुंच जाते हैं, तभी मिलने के लिए आप फेस टू फेस मुलाकात के लिए पंजाब में आए होंगे और यहीं पर मुख्यमंत्री भी आए हैं इसलिए। लेकिन ऐसा लगता है कि बातचीत जो है वो अभी शायद पूरी तरह से नहीं बन पाई है, तभी कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है। और अभी इंतजार करेंगे औपचारिक रूप से कि क्या ये बातचीत बन गई है या फिर एक और जो बैठक का दौर है वो मुख्यमंत्री और नवजोत सिद्धू के बीच में अभी हो सकता है। इंतजार करेंगे। शरद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, शरद, नवजोत सिंह सिद्धू ने कई डिमांड्स रखी थी अपनी, कई मुद्दों को लेकर वो नाखुश बताए जा रहे थे। अब सूत्रों को लेकर भी कई अटकलें, कहा जा रहा है शायद डीजीपी मान जाएंगे। और इसका एक मुलाकात का एक पहलू ये भी है कि भले ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने जो अपना इस्तीफा दिया था, एकल दिया था, सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर डाल दिया था, तो हो सकता है क्या वो अकेले हो सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा करे। जरूरत नहीं है कि मुख्यमंत्री साथ बैठे हों, क्योंकि मुख्यमंत्री का दर्जा ऊंचा हो जाता है एक तरह से। तो क्या ये भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि जो जिस तरह से फजीहत हुई है हालात को संभाले। जी निधि, आप बात ठीक कह रही हैं, संभावना तो ये है, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम इसलिए लग रही है कि नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दिया था और अब वो खुद ही आकर अगर अकेले बैठ जाएंगे तो सबसे बड़ा चेहरा वहां पर वही होंगे, सारे सवाल उनके ऊपर दागे जाएंगे, सारे सवालों के जवाब उनको देने होंगे, शायद इन सवालों के जवाब अभी देने में तो फिलहाल हम सुन नहीं पाए कि कुछ जो नेता हैं पहुंचे हुए हैं, जो करीबी नेता हैं वो भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन डीजीपी को लेकर कहा यह जा रहा है डीजीपी को बदला जा सकता है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और आपको बता दूं, 2 घंटे पहले नवजोत सिंह सिद्धू का जो ट्वीट था वो भी डीजीपी को लेकर ही था। अब उनकी मांग थी डीजीपी आईपीएस सहोता वॉज हेड ऑफ द एसआईटी में नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट पढ़ रही हूं, यानी कि इस बैठक में जाने से पहले उनकी पुरजोर कोशिश थी कि कुछ माना जाए ना जाए, लेकिन डीजीपी को बदला जाए।
उनका ये थी कि बेअदबी केस में जो बादल सरकार थी रॉन्गफुली जो गलत तरीके से दो युवाओं को सिख युवाओं को इसमें सजा दी गई थी, तो जो नवजोत सिंह सिद्धू ये भी दिखते हुए दिखना चाहते हैं कि भाई जो वो मांग कर रहे हैं, जो आखिरी उनका ट्वीट था दो घंटे पहले सहुता आईपीएस सहुता को लेकर, तो क्या उस पर मानेंगे चन्नी सरकार? मंत्रालयों में भी फेरबदल की संभावना है ये भी सूत्रों के जरिए से जानकारी आ रही है, और ये तमाम मांगे थी नवजोत सिंह सिद्धू की जो उन्होंने इस्तीफा देने से पहले अपना एक वीडियो बाद में जारी भी किया था। तो सौरभ शरद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई जो डिमांड्स थी इनकी नवजोत सिंह सिद्धू की सूत्रों के हवाले से आ रहा है, क्या पता चन्नी सरकार ही मान जाए खासतौर से डीजीपी को लेकर? ये चर्चा तो है निधि के उनकी बहुत सारी जो डिमांड है, जिसमें एक डिमांड है कि डीजीपी की जो नियुक्ति हुई है उस पर बहुत आपत्ति है, जो दूसरी नियुक्ति हुई है एडवोकेट जनरल की उस पर आपत्ति है, लेकिन नवजोत सिद्धू ने जो आज ट्वीट किया है उसको अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हैं तो ऐसा समझा जा रहा है कि डीजीपी को लेकर सबसे ज़्यादा आपत्ति है। और क्योंकि बीच का रास्ता ही निकालने की बात होती है, क्योंकि अगर जो मुद्दे या जो आपत्तियाँ नवजोत सिद्धू उठा रहे हैं अगर ऐसी की ऐसी आपत्तियों को कांग्रेस आलाकमान मान जाए, मुख्यमंत्री मान जाए, तो फिर आलाकमान का मतलब क्या रह जाएगा, मुख्यमंत्री का कद क्या रह जाएगा? तो वो तो नहीं होगा, इतना तो खैर वो भी समझ रहे होंगे। तो इसलिए ये समझा जाता है कि शायद डीजीपी को हटाने पर नवजोत सिद्धू मान जाए, लेकिन जब तक अपने मुँह से कह नहीं देते तब तो ये जो तस्वीरें सीधे हम पंजाब भवन चंडीगढ़ से देख रहे हैं, तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी दो घंटे से ज्यादा मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब भवन में। फिलहाल मुख्यमंत्री यहां से निकल चुके हैं, मुख्यमंत्री का काफिला हम देख रहे हैं वो यहां से निकल चुके हैं। तो जो एक कयास लग रहे थे कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो तो नहीं हो रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही कि जो एक तरह से डिमांड थी नवजोत सिंह सिद्धू की कि डीजीपी को जो उनकी नई नियुक्ति है उनको बदला जाए, साथ ही कुछ मंत्रालयों में फेरबदल की बात हो रही थी, वो शायद उसको कंसिडर करेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन बहरहाल कोई खेमा जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है हाँ करने में ना करने में। शरद, तो फिलहाल जो सिद्धू के पक्ष के भी लोग वहां पे मौजूद होंगे और जिस तरह से कांग्रेस खेमों में बढ़ गई है, अब चन्नी पक्ष के भी हो गए होंगे, तो उस लिहाज से वहां पर जो जानकार मौजूद हैं क्या कह रहे हैं? देखिए, सबको जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो यही है, जो अटकलें लग रही हैं वो यही है कि डीजीपी हटाए जा सकते हैं, लेकिन क्या केवल डीजीपी हटाने से बात बन जाएगी? ऐसा तो लग रहा है कि सिद्धू चाह रहे हैं कि ठीक है डीजीपी हट जाएं, लेकिन कुछ और मसले भी हो सकते हैं। ये भी संभव है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो यहाँ पर बैठक कर रहे थे, कुछ ऐसी बातें आई हों बैठक के दौरान जो आला कमान से बात करके और मंजूरी लेकर या चर्चा करने के बाद ही वो उस पर कोई फैसला लिया जाए, तो ये भी संभावना है कि आज बैठक हुई हो, हो सकता है बातचीत सकारात्मक रही हो सकता है बातचीत जो है बीच में खत्म हो गई हो, सभी तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब राजनीति में इस स्तर पर हालात हैं कि पहले मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो माना जाता है कि अब सबसे पावरफुल हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उस व्यक्ति के चलते इस्तीफा दे दिया जो उनके खेमे का माना जा रहा था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये असल में शैडो है या डमी है और सारा का सारा गेम जो है सुपर सीएम जो है वो नवजोत सिद्धू हो गए हैं, तो जब इस स्तर पर बात आ जाए तो फिर कुछ भी कहना, जब तक अपने मुंह से ना कह दें कि हाँ मामला सुलझ गया है या इस्तीफा वापस ले रहे हैं,
तब तक कुछ भी कहना जो है बहुत जल्दबाजी होगी। और वैसे भी जब नेता जल्दबाजी नहीं दिखा रहे, दो दिन हो गए अभी तक मामला सुलटा नहीं है, तो तब हम भी क्यों इस बारे में जल्दबाजी दिखाएं। इंतजार करते हैं जब मुख्यमंत्री या नवजोत सिद्धू इस बारे में कुछ कहेंगे, तभी हमें कुछ पता चल सकेगा कि दोनों के बीच में क्या स्थिति या क्या हालात। ऐसी खबर आ रही है सिद्धू मान गए हैं, सिद्धू के सलाहकार ने बोला है, जो हम व्यक्ति दिखा रहे थे उनको सुन नहीं पा रहे थे, तो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि सिद्धू मान गए हैं, सिद्धू के सलाहकार ने ये बात कही है। तो जो शायद अब शायद सिद्धू अपनी बात कहें सार्वजनिक तौर पर, देखना होगा। ये एक बहुत अहम खबर है जो आ रही है कि सिद्धू मान गए हैं। कांग्रेस खेमे ने एक राहत की सांस ली होगी कि वाकई जो सिद्धू ने जिस तरह से स्थिति को पहुंचा दिया। भूपेंद्र वोहरा हैं जो सिद्धू के सलाहकार हैं, भूपेंद्र वोहरा, उन्होंने कहा है कि सिद्धू मान गए हैं और कोशिश करेंगे उनके ऑडियो को ठीक करके आपको सुनाने की। तो बहरहाल कांग्रेस के खेमे में जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, ढाई घंटे से ज्यादा हो गए हैं जो मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से बात कर रहे थे, और क्या वाकई में ये अब हालात संभल गए हैं, तो एक संकेत तो ये मिल रहे हैं कि हालात संभल गए हैं। सिद्धू के जो सलाहकार हैं कह रहे हैं कि सिद्धू मान गए हैं, अब कैसे मान गए हैं, इस पर मुहर कैसे लगेगी, क्या बाहर आकर सिद्धू कुछ अपना बयान देंगे मीडिया के सामने, क्योंकि तमाम मीडिया की नज़र यहाँ पे बनी हुई है। सूत्र ये भी कहा जा रहा है कि जो सिद्धू की डिमांड थी उन पर मुझे मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी मिल गए। जी गजाली, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, फिलहाल अपडेट तो यही है कि मुख्यमंत्री जा चुके हैं, लेकिन अंदर मीटिंग में क्या बातचीत हुई, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, या किन कंडीशंस पे मांगे पूरी हुई हैं, क्योंकि जब मीटिंग चल रही थी तो कुछ इस तरह की सूचना आ रही थी अंदर से कि ये मीटिंग सिर्फ एजी या एडवोकेट जनरल और डीजीपी के नियुक्ति के ऊपर, जो सिद्धू को मतभेद है, सिर्फ उसको नहीं डिस्कस किया जाएगा, बल्कि कुछ ही दिन पहले जब कैबिनेट पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ था, मंत्रालय का बंटवारा हुआ था, तो उस बंटवारे को लेकर भी सिद्धू की कुछ नाराजगियां थी कि कई लोग हैं जिनका कॉन्ट्रोवर्शियल पास्ट रहा है या उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगे हैं, तो उन लोगों को कैबिनेट में क्यों लिया गया। सिद्धू उस पर भी खफा थे। मीटिंग लंबी चली है और ये मीटिंग सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच नहीं हुई, बीच में दो कैबिनेट मिनिस्टर भी आए थे, जिसमें चरणजीत एक हैं सिद्धू के करीबी प्रगट सिंह, और दूसरे राजकुमार वेरका हैं, सीनियर मंत्री हैं या सीनियर पार्टी एमएलए हैं पंजाब में, वो उन दोनों की भी मौजूदगी रही है मीटिंग वेन्यू में। अब वो मीटिंग में भी मौजूद थे या नहीं, इसकी भी कंफर्मेशन नहीं है। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू और ये दो जो कैबिनेट मंत्री जिनका नाम मैंने लिया, राजकुमार वेरका और प्रगट सिंह, ये दोनों अभी भी इसी बिल्डिंग पंजाब भवन में हैं। मुख्यमंत्री मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए चले गए, कैबिनेट मीटिंग बुला ली है, कल के दिन की कैबिनेट मीटिंग की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, लेकिन इस पर अभी भी कुछ क्लियर पिक्चर नहीं मिल रहा है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू की सारी मांगें मांग ली गई हैं। एक और कयासाराई लगाई जा रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मीटिंग में आने से पहले जो आखिरी ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने सिर्फ डीजीपी के ट्रैक रिकॉर्ड को शेयर किया है, जबकि उनकी मांग एजी को भी हटाने की है। तो क्या कहीं इस पर सहमति बनी हो कि दोनों नियुक्तियां हम नहीं हटा सकते, क्योंकि उसके कई एडवर्स इफेक्ट होंगे पंजाब कांग्रेस पे। पहली बात कि जिन दो नियुक्तियों को मुख्यमंत्री ने अप्रूव किया हो, उसको सिर्फ किसी एक सदस्य के, पार्टी के किसी एक सदस्य के रूठने पे अगर आप रिवर्स कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दफ्तर की गरिमा पे भी सवाल उठता है, जो विपक्ष कई दिनों से उठा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू सुपर सीएम है, चरणजीत सिंह चन्नी सॉफ्ट सीएम है, को वही चला रहे हैं, तो ऐसे भी आरोप लग रहे हैं, उनको और बल मिलेगा। दूसरी बात यह कि पार्टी जो है चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने के बाद यह सोच रही थी कि राजनीतिक लाभ होगा, लेकिन अगर सिद्धू बेअदबी के मसले पे डीजीपी हटवा जाते हैं तो फिर उनका कद बढ़ जाएगा चुनाव से पहले, फिर एक मसला कि आप किसको सीएम का चेहरा मानेंगे। मेरी समझ जहां तक है इन सारे डेवलपमेंट्स को देखने के बाद, कि चाहे ये मसला सॉल्व हो या ना हो, आगे आने वाले दिनों में हर दिन मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की अपने अपने डिसीजन लेने को लेकर मतभेद बना रहेगा, और अगर इन दोनों को पार्टी में रहना है तो पिछले की तरह, यानी अमरिंदर सिंह के साथ जो नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्ते थे, वैसा सिचुएशन या वैसी स्थिति ना नहीं
नहीं होगी तभी पार्टी के लिए बेहतर होगा कि 3 महीने रह गए हैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों हर डिसीजन में एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेकर चलें। फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है कि सिद्धू की मांग पूरी हुई है या नहीं। पहले ये सोचा जा रहा था कि दोनों एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, बताएंगे कि मान गए हैं या नहीं मान गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है। सिद्धू अभी भी अंदर हैं और सिद्धू जैसे हर चीज़ में सस्पेंस क्रिएट करते हैं, तो इस मामले में भी अभी तक सस्पेंस बरकरार है। जी गजाली, मैं आपसे अभी कुछ ही पलों पहले हमारे पास एक जानकारी आई, जो सिद्धू के सलाहकार हैं भूपिंदर वोरा, उन्होंने कहा है कि सिद्धू मान गए, तो वहां पर क्या कुछ भूपिंदर वोरा भी हैं और हरीश रावत कहां पे हैं, जो ये प्रभारी हैं यहां के, वो कहां पे, क्या वो कहीं और बैठकर दिशा निर्देश दे रहे हैं, आला कमान से वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उस लिहाज से क्या बैकडोर चैनल्स क्या हो रहा है? देखिए, जहां तक बैकडोर चैनल्स की बात है तो हरीश चौधरी जो राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हैं, AICC के ऑब्जर्वर हैं, वो तो पंजाब आए हुए थे, कल से आए हुए थे, वो भी अंदर गए थे मीटिंग से पहले। लेकिन जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू के इस मतभेद का मसला है, उसमें सिद्धू ने अपना स्टैंड इतना क्लियर किया हुआ है 2 दिन से कि अगर हाईकमांड की इंटरवेंशन होती भी तो नवजोत सिंह सिद्धू मानते नहीं, क्योंकि उनका टारगेट ऑडियंस पंजाब का वोटर है, जिसके लिए बेअदबी एक इमोशनल इशू है। उसके लिए अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पॉलिटिकल अनस्टेबल कहा जाए या एम्बिशियस कहा जाए तो वो झेल रहे हैं, सुन रहे हैं, ना उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने स्टैंड पे कायम हैं। फिलहाल पार्टी हाईकमांड हो या पंजाब कांग्रेस हो, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि चुनाव से आखिरी दिन तक लड़ाई झगड़ा चलता रहे या विवाद होता रहे। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर मीटिंग के लिए अपनी हामी भरी थी। अब मीटिंग में क्या उनकी सारी मांगे मांगी गई हैं, अगर उनके सलाहकार जैसा आप बता रही हैं कि वो मानते हैं या वो कह रहे हैं कि मान गए हैं, तो सही है, लेकिन हमें नवजोत सिंह सिद्धू के का वक्तव्य सुनना चाहिए, खुद वो क्या कहते हैं। हर चीज़ वो ट्वीट करके बताते हैं, तो शायद उनके ट्वीट का भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो राजनेता कहते हैं वो होता नहीं। अमरिंदर सिंह भी ये कह के कहते हैं कि मैं कपूरथला हाउस खाली करने जा रहा हूँ और किसी से मिलूंगा नहीं, गृहमंत्री से मिला है। तो फिलहाल यहाँ पर हलचल जारी है, एक एक नेता के निकलने पर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनसे समझने की कोशिश करें कि मीटिंग हुई तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या सिर्फ AG और DG बदलने की बात हो रही है या जो कैबिनेट के पोर्टफोलियो एलोकेशन को लेकर नाराजगी है उनकी कि सुखजिंदर रंधावा को होम क्यों दे दिया। और सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि सुनील जाखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पुराने, जब उनके मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी तो चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और नवजोत सिंह सिद्धू तीनों ने ही उनके चांसेस खत्म करने या उनको मुख्यमंत्री ना बनाने की बात की थी। और आज सुनील जाखड़ ने भी लगता है एक पलटवार ही किया है, जब उन्होंने ट्वीट करके कहा कि एनफ इज एनफ, बहुत इनके टेंट्रम्स हमने झेल लिए नवजोत सिद्धू के, और ये डिसीजंस जो CM ने लिए हैं उसको वापस नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ सुनील जाखड़ ने भी ट्वीट किया है। तो फिलहाल एक यथास्थिति भी बनी हुई है कि क्या होगा, कि क्या सही में अपॉइंटमेंट्स रद्द किए जाएंगे या दूसरे लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। फिलहाल किसी चीज़ को श्योरिटी के साथ नहीं बताया जा सकता। बिल्कुल गजाली, हो सकता है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, जो DGP हैं उनको बदला जाए, एडवोकेट जनरल को ना बदला जाए, तो क्योंकि शायद उनके अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर की नियुक्ति होती है, तो एक बीच का रास्ता निकालते हुए कि सिद्धू की भी नाक बच जाए और कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति खराब हो रही है वो भी बच जाए और सबके बीच अन्य पार्टियों को फायदा भी हो रहा है। लेकिन अपने आप पे सवाल यही है कि क्यों मुख्यमंत्री बिना कुछ कहे निकल गए? आपने कहा कि मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए गए, और कुछ पलों पहले हमारे यहाँ NDTV पर अभी जानकारी मुझे दी गई है, डेस्क से आई है, कि उनके सहयोगी, उनके जो एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि भूपिंदर वोरा, उन्होंने कहा है कि सिद्धू मान गए और सिद्धू के ही करीबी हैं ये, तो उस लिहाज से आप जानते हैं भूपिंदर वोरा कौन है और कुछ ये बात है वहां पे, आप कह सकते हैं कि ऐसा कुछ है? मैं उनके दूसरे मीडिया सलाहकार जो हैं उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कुछ कंफर्मेशन दें, लेकिन उनके तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जब तक खुद नवजोत सिंह सिद्धू या उनके कुछ लोग ऑन रिकॉर्ड आकर ये बात ना कह दें कि हाँ अब सारी मांगे मांग ली गई हैं या मीटिंग बहुत सकारात्मक रही, तब तक मैं ये कहने से बचूंगा
कि सारी चीज़ें ठीक है और मुख्यमंत्री मुस्कुरा कर हाथ हिला के चले गए। वो अक्सर करते हैं, जब से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं अक्सर मीटिंग से बाहर निकलते वक्त वो कैमरे को हाथ हिलाते हुए और मुस्कुरा कर ही जाते हैं। उनकी मुस्कुराहट से ये पता नहीं चल पाया कि क्या मीटिंग सकारात्मक रही, क्या वो अपने स्टैंड पर कायम है या सिद्धू के स्टैंड को ही सपोर्ट सारा मिल गया। तो वो एक चीज़ है जिस पर अभी भी कोई कन्फर्मेशन फिलहाल नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल गजाली, मैं आपको छोड़ूंगी कि आप लगातार इतने व्यस्त रहे और आपको अब तमाम जानकारियां लेनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हमें इंतजार करना होगा आधिकारिक तौर पर कि क्या निकल कर आता है। और मुख्यमंत्री जो मुस्कुराकर निकले हैं, आजकल वो मुस्कुराकर ही अपना हाथ हिलाकर निकल जाते हैं, तो देखना होगा जो परेशानियां हैं कांग्रेस खेमे में पंजाब में वो किस तरह समाप्त होती है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर की है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन्स पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ आई विल टेल यू लेटर, आई हैव ऑलरेडी सेड सो। नंबर वन, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। नंबर टू, आई एम नॉट ज्वाइनिंग द बीजेपी, दैट इज इनफ फॉर एट द मोमेंट। क्या चीज मैं ऐसे सुनता नहीं हूं। मैं थोड़ा पहला भी कहा है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा जहां से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। कहा कि आप कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊंगा आपको। कुछ कांग्रेस के एमएलए आपके टच में हैं जो आपके साथ जाएंगे? क्या कुछ कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे? क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊंगा? स्पीकर ने देखना है कि अगर ऐसे हालात कोई बन जान के मेजोरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे, नॉट माय जॉब, मेरा काम नहीं है कहना। कैप्टन साहब, 2 अक्टूबर को क्या कोई आप बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट थी कि रीजनल एक बड़े लेवल पे आपको? अरे भाई, मीडिया रिपोर्ट तो आज कह रही थी कि 12 बजे मैंने ज्वाइन करना है बीजेपी को, आप सुबह सारा भरा हुआ है। क्या दो तरीकों, क्या आई थिंक सो। देखिए बात सुनो, सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूं, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। पीजी और एजी को हटाना, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से शर्तें रखी जा रही है? देखिए, ये फैसले हैं चीफ मिनिस्टर के, मेरे नहीं।
प्रधान का कोई कम नहीं अफसर हटाना, अफसर लगा चीफ मिनिस्टर, अफसर हटा चीफ मिनिस्टर, अफसर बदली करता चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज द पीसीसी? मेरे मेरे 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं, हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया एक पहले कभी नहीं। देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू भी पंजाब भवन से बाहर निकले चंडीगढ़ में। अब यही शख्स है जो जिन पर सारा दारोमदार है कि किस तरह से कांग्रेस वहां पर उसका आगे क्या निकल कर आता है। नवजोत सिंह सिद्धू की जो नाराजगी है वो काफी भारी पड़ रही है। शरद हमारे सहयोगी मौजूद है। जी शरद, तो नवजोत सिंह सिद्धू की गाड़ी निकलते हुए देख सकते हैं हम, कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल अभी अभी, और जैसे कि हमें उम्मीद थी कि सिद्धू बात नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ, सिद्धू ने कोई बात नहीं कही। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली बता रहे हैं कि उनके सूत्रों ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि मामला सुलझ गया है और संभावना ये जताई जा रही है कि AICC यानी जो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है वहाँ से एक स्टेटमेंट जारी हो सकता है जिससे कि दोनों को मीडिया के सामने ना आना पड़े, क्योंकि ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है जो ये स्थिति पंजाब के अंदर कांग्रेस के अंदर बनी। तो ऐसे में एक साझा बयान भी हो सकता है कि AICC की तरफ से जारी किया जाए, ये मोहम्मद गजाली को जो है सूत्रों ने बताया है। तो अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि किन किन मुद्दों पर जो सिद्धू ने बात रखी है उनकी जो आपत्ति है, किन किन मुद्दों को मान लिया गया है और किन किन मुद्दों पर जो आपत्ति है वो जो है मुख्यमंत्री ने दरकिनार कर दी है। तो कुछ देर अभी इंतजार करना होगा, तब जाके स्थिति साफ होगी कि पंजाब के अंदर क्या अब जो राजनीतिक हालात हैं वो शांत हो रहे हैं या जो बवाल मचा हुआ है, जो भूचाल आया हुआ है वो अभी कुछ दिन और चल सकता है। जैसे कि अभी खबर भी आई कि अभी 4 अक्टूबर को पहले से ही कैबिनेट की बैठक जो है वो तय कर ली गई है और कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर यह आपत्ति जो है सिद्धू दर्ज करा रहे हैं। तो ऐसा संभव है कि बातचीत हो गई हो और जो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है AICC दिल्ली वहाँ से एक साझा स्टेटमेंट जारी हो जिसमें बताया जाए कि क्या हालात बने थे और किन मुद्दों पर बातचीत बन गई है और क्या कार्रवाई जो है की जाएगी, जिसके बाद क्या नवजोत सिद्धू है अपना इस्तीफा वापस लेंगे या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा जब दिया था तो वो भी ट्विटर पर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दिया था, एक चिट्ठी जारी कर दी थी, और अगर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो पत्रकार मौजूद होते, तमाम तरह के सवाल होते जिनके जवाब नहीं दिए जा सकते होंगे। तो अब जो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होगा, उम्मीद करते कहा यह जा रहा है, हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली कह रहे हैं कि जल्दी ही वो स्टेटमेंट आने वाला है और उस पर नजर बनी रहेगी कि वाकई किन बिंदुओं पर नवजोत सिंह सिद्धू माने हैं, जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनकी कितनी बातें मानी है और कितनी बातें नहीं मानी है। तो ये अपने आप में देखना खासा अहम रहेगा पंजाब की राजनीति पर, लगातार कांग्रेस पर, कांग्रेस खेमे में क्या हो रहा है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप सीधे चंडीगढ़ के पंजाब भवन से देख रहे हैं और यहाँ पे हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि फिलहाल ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से ही एक स्टेटमेंट जारी हो जाएगा। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगा जल्द से जल्द वापस आएंगे, बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। मुझे कहा जा रहा है कि हम अभी ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो वाकई में ये अपने आप की जो सामने हमारे स्थिति है कि नवजोत सिंह सिद्धू की किन मांगों को माना गया और अपने आप में हमने देखा पहले मुख्यमंत्री चन्नी निकले, उनकी गाड़ियों का काफिला निकला, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी उनकी भी गाड़ी यहां से निकल गई है। करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है और क्या निष्कर्ष इसमें से निकला है कुछ ही पलों में पता लग जाएगा। बने रहिए NDTV इंडिया के साथ, एक छोटा सा ब्रेक। तो सीधे एक बार फिर से आपको हम चंडीगढ़ ले चलते हैं, पंजाब भवन के बाहर के दृश्य हैं और यहीं पर अब निगाहें टिकी हुई हैं कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कुछ समय पहले निकले, 2.5 घंटे तक करीब ये मुलाकात चली नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर पहुंचे थे, पटियाला से वो यहां पहुंचे
और कल अगर आपको याद होगा जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का रुख था, कहा जा रहा था कि उनके ही अपने करीबी पटियाला में उनको मिलने पहुंचे, जो राज्य के प्रभारी हैं हरीश रावत वो मिलने नहीं गए थे, उनको रोका गया, चरणजीत सिंह चन्नी उनको रोका गया, मुख्यमंत्री जो थे वो तमाम लोग नहीं उनसे कल मिले थे। लेकिन आज जिस तरह से आज आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पंजाब भवन में खुद नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री चन्नी से मिलने पहुंचे, करीब ढाई घंटे तक ये मुलाकात चली है और ये तस्वीरें आप नवजोत सिंह सिद्धू की गाड़ी की देख रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री की गाड़ी रवाना हुई और फिर नवजोत सिंह सिद्धू की। शरद हमारे साथ मौजूद है। जी शरद, क्या अपडेट वहां से? निधि, बस अब इंतजार है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर अब बयान जारी करेगा, तो अब जो है यहाँ जो टकटकी लगाई हम देख रहे थे पंजाब भवन पर कि कब मुख्यमंत्री चन्नी निकलेंगे, कब सिद्धू निकलेंगे और कब यहाँ पर एक जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद आज लग रही थी, खबर भी आ रही थी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कब होगी, तो अब इस सब का कोई इंतजार नहीं है क्योंकि जो दो लोग थे जिनमें आपस में विवाद चल रहा है वो दोनों ही चले गए हैं और ये मामला ऐसा है जिसके ऊपर कोई बाकी लोग भी तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि काला आला कमान जो है उनको कहे ना कि आपने बोलना है। तो इसलिए अब कांग्रेस आला कमान का जो AICC का एक प्रेस रिलीज आनी है उसी का इंतजार हो रहा है, उसी से पता चलेगा कि क्या ये विवाद अब निपट गया है, क्या नवजोत सिद्धू अपना जो इस्तीफा है वो वापस लेंगे और सबसे बड़ी बात किन मुद्दों पर जो है दोनों में सहमति बन गई है और क्या जो दो एडवोकेट जनरल और जो DGP को हटाने की बात थी उन दोनों में से कोई हटेगा या नहीं हटेगा, क्योंकि अगर आप हटाते हैं तो सरकार और मुख्यमंत्री का भी जो रसूख है वो कम होता है और अगर आप मंत्री हटा देंगे तो फिर कांग्रेस का आला कमान जो है जिसने चन्नी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया और सारी पावर दी है उसका भी जो है इकबाल जो है वो कम होता है, तो यही अहम है। हो सकता है सिद्धू मान जाए, संभावना तो है कि क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा उनके पास नहीं है, तो ऐसे में मान तो सकते हैं, लेकिन वो मुद्दे अब क्या हैं जिनके ऊपर सिद्धू मान गए हैं और वो मुद्दे क्या हैं जिसके ऊपर मुख्यमंत्री मान गए हैं और दोनों के बीच में से अब जो सुलह का रास्ता है वो क्या निकला है, तो AICC की जो स्टेटमेंट है उसका इंतजार है। लेकिन अच्छा होता कि अगर दोनों ही नेता सामने आते और मीडिया को फेस करते, मीडिया को फेस करने का मतलब है आप जनता से मुखातिब हो रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि जो विवाद हुआ था वो क्यों हुआ था और अब जो है दोनों के बीच में सब ठीक है, लेकिन ये शायद एक आसान रास्ता भी होता है कि आप स्टेटमेंट जारी कर दें और उसके बाद काफी दिन तक आप मीडिया के सामने ना आए और ये हो जाए कि मामला अब रफा दफा और खत्म मान लिया जाए। बिल्कुल, बहुत कम ही होता है कि अब जो नेता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवाल लेते हैं, बहुत कम नेता ही ऐसे करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शरद, बनाए रखिए आप अपनी नजर, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो पंजाब कांग्रेस में उहापोह के बीच इस समय खबर यह है कि कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होगा, उसी का इंतजार है। फिलहाल ढाई घंटे तक बैठक चली है मुख्यमंत्री और सिद्धू के साथ। बताया जा रहा है कि सिद्धू एक तरह से मान गए हैं, वो चुनाव तक अध्यक्ष बने रहेंगे, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और सिद्धू ने जो DGP के हटाए जाने की मांग की थी नई नियुक्ति की, उसको भी शायद मान लिया गया है, लेकिन ये तमाम खबरें जानकारियां सूत्रों के हवाले से कही जा रही हैं। तो आप NDTV पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।